देश के तीन प्रमुख प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया ने हाल ही में अपने रिचार्ज प्लान महंगे किए हैं। इन तीनों कंपनियों को प्लान में करीब 25% तक का इजाफा हुआ है। जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया कंपनियों के रिचार्ज प्लान महंगे होने के बाद बीएसएनएल के अच्छे दिन आए हैं। बीएसएनएल के प्रति लोगों की दीवानगी बढ़ रही है। सोशल मीडिया पर हर रोज बीएसएनएल ट्रेंड कर रहा है और लोग प्राइवेट कंपनियों के बायकॉट की मांग कर रहे हैं। एयरटेल, जियो और वोडाफोन आइडिया के प्लान महंगे होने के बाद कुछ जगहों में बीएसएनएल सिम की बिक्री में 3 गुना ज्यादा इजाफा देखने को मिला है। इसके अलावा लाखों यूजर्स ने बीएसएनएल में अपने सिम को पोर्ट कराया है। कई रिपोर्ट्स के मुताबिक जब से प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों के रिचार्ज महंगे हुए हैं, उसके बाद से बीएसएनएल के सिम की बिक्री 3 गुना बढ़ गई है। इसके अलावा बीएसएनएल में पोर्टेबिलिटी में भी 2.5 गुना का इजाफा हुआ है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार झारखंड सर्कल के धनबाद में हर रोज बीएसएनएल के 500 सिम बिक रहे हैं। पिछले महीना ये आंकड़ा हर रोज 150 का था। इसके अलावा महज 6 दिन में बीएसएनएल के 2500 नए ग्राहक बने हैं। एक अन्य रिपोर्ट के मुताबिक राजस्थान में महज 1 महीने में 1,61,083 लोग बीएसएनएल से जुड़े हैं। इसी दौरान एयरटेल को 68,412 और जियो को 6,01,508 ग्राहकों ने अलविदा कहा है। बता दें कि अगले महीने देश के तमाम हिस्सों में बीएसएनएल के 4G सर्विस शुरू हो रही है। शुरुआत में ग्राहकों को फ्री में 4G सिम कार्ड मिलेंगे। इसके अलावा मौजूदा ग्राहकों के सिम कार्ड को भी फ्री में 4G में अपग्रेड कराया जाएगा। बीएसएनएल ने हाल ही में तमिलनाडु के तिरुवल्लुवर जिले में 4G लॉन्च की है। बीएसएनएल 4G के साथ बेहतर कनेक्टिविटी और नेटवर्क का भी दावा किया गया है। बीएसएनएल 4G की इस लॉन्चिंग का फायदा नोचेली, कोलाथुर, पल्लीपेट, थिरुवेल्लावलाई और पन्नोरी जैसे इलाकों में होगा। बीएसएनएल के अधिकारियों ने पुष्टि की है कि इसके बाद तमिलनाडु के राजधानी चेन्नई में 4G रोल आउट किया जाएगा। इसी के साथ देखते रहिए सोशल संवाद में गणेश महतो। जय हिंद।